कुछ बातें करेंगे हम लाइफस्टाइल डिजीजेज और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। तो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां क्यों होती हैं, ब्रीफली अगले 10-15 मिनट में, होती क्या क्या हैं ये, इनको कैसे नियंत्रित करना है, फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेज, नियमित फिजिकल एक्टिविटी के कुछ लाभ मैं बताऊंगा, सबको पता ही है, बट इट्स जस्ट रिवीजन एक्सरसाइज। सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंड राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज तरह तरह के एज ग्रुप्स के लोग होते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज भी होती हैं, तो क्या एक्सरसाइज से शुरुआत करनी है और क्या क्या करना है, एंड फाइनल सम कंक्लूजन। होती क्यों है, अर्चना ने बिल्कुल सही बताया कि हमारी डेली लाइफस्टाइल जो है, हमारा रहन सहन है, बहुत अच्छा नहीं है इस समय, बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस कह लीजिए, लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत नहीं है, शारीरिक निष्क्रियता बहुत है लोगों में, खान पान की खराब आदतों के बारे में भी अर्चना ने बताया, वेरी इंपॉर्टेंटली जागरूकता की कमी, इसलिए ऐसी वर्कशॉप्स का होना बहुत जरूरी है बिकॉज अवेयरनेस नहीं है लोगों को, एंड ऑफ कोर्स अदर बैड हैबिट्स लाइक टोबैको, अल्कोहल, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, प्राइमरीली अबाउट फिजिकल एक्टिविटी। तो ये हमारा एक ग्राफिक सब लोगों ने देखा होगा नेट पे भी, अनियंत्रित जीवन शैली। तो प्रोग्रेस तो हुई है पिछले बहुत सारे वर्षों में, लेकिन पिछले 50-100 सालों में अब ये हो गया है, तो मेनी ऑफ द पीपल आर काउच पोटेटोज, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो दिस इज, ये विडंबना है आज की प्रोग्रेस के बावजूद भी हम लोग इस जीवन शैली को अपना रहे हैं। तो ये तो रीजन हो गया, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां क्या क्या हैं, कार्डियोलॉजी से हैं तो हार्ट अटैक, एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, मधुमेह, पूरी दुनिया में आजकल इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहा जा रहा है। सो अगेन इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, एंड डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज की वजह से स्ट्रोक, पक्षाघात, गुर्दे की बीमारी, एंड लास्ट चीज है जो लाइफस्टाइल डिजीज है, बढ़ा हुआ वजन। होता क्या है कि इससे संपूर्ण स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, बढ़े हुए वजन की वजह से ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट अटैक का रीजन है, स्ट्रोक्स का रीजन है। तो ये 5-6 बीमारियां हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीज के ग्रुप में आती हैं। अब हम बात करेंगे इनको नियंत्रित कैसे करना है और फिजिकल एक्टिविटी के लाभ क्या है। पता हम सब कुछ है, लेकिन यू नो वी जस्ट फॉरगेट इट इन डेली लाइफ। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस का ना केवल नियंत्रण हो सकता है, पर इनकी एक हद तक रोकथाम भी हो सकती है, हम इनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं होने से। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी को अपनाना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेट योर पर्सनल गोल। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज अपने जीवन शैली में लानी है कि फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट एंड यू टू सेट योर ओन पर्सनल गोल, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स हैं यहाँ पे, तो रिड्यूस सेडेंटरी एक्टिविटीज। बच्चों में जैसे आजकल टीवी, वीडियो गेम्स, इंडोर गेम्स का बड़ा प्रचलन है, मोबाइल, तो जितना हम इसको कम करेंगे, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे शाम को, एटलीस्ट हमारे जनरेशन में देयर इज लॉट ऑफ आउटडोर एक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली कम हो गई है, सो दिस हैज टू बी लिमिटेड। नो, काउच पोटेटोज बन रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, वीडियो गेम्स चल रहे हैं। सो अगर आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे तो दिस बच्चों के अंदर मेटाबॉलिक रीजन, ओबेसिटी, डायबिटीज बच्चों में बहुत कॉमन है, तो इसको कम करना है। हेल्दी डाइट अर्चना ने बताया तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मेन करक्स है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके बारे में हम बात करते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। अगेन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम इट कुड हैव बीन एन इंटरेक्टिव थिंग, बट मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। लाभ क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटर मोबिलिटी, बेहतर गतिशीलता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जॉइंट्स, बोन्स, मसल्स वीकन होते हैं, उसके अंदर जो मोबिलिटी है, सपलनेस है, वो कम होती जाती है। तो टू प्रोटेक्ट अस इन आवर एल्डरली एज, जैसे जैसे हम बड़े होंगे, यदि हम एक यंगर एज से ही एक्सरसाइज को अपनाएंगे तो आगे चल के ओल्ड एज में प्रॉब्लम कम होंगी, स्पेशली बोन रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड। तो सबसे जो रिकमेंडेड एक्टिविटी है वॉकिंग, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन मूवमेंट, और इसके अंदर मान लीजिए आप रनिंग वनिंग नहीं भी कर रहे, बिकॉज रनिंग से देर इज अ अगेन अ स्कूल ऑफ थॉट कि उससे शायद नीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वॉकिंग सबसे ज्यादा नेचुरल मूवमेंट है, उसको ही अगर आप अपना लेंगे अपनी जीवन शैली में, सो दैट इज गुड इनफ, यू डोंट नीड टू बी एन एक्टिव जिमर, और आपको ऐसा नहीं है कि आयरन पंप करना है या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग इज गुड इनफ। तो फर्स्ट है बेटर मोबिलिटी और फिजिकल एक्टिविटी, सेकेंड है जिसको हम लोग कई बार डिसरिगार्ड करते हैं, बेटर मूड एंड ब्रेन फंक्शन। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वी ऑल नो
फील गुड केमिकल्स होते हैं कुछ एंडोर्फिन, वो रिलीज होते हैं। ये क्या होता है, ये मूड एलिवेटर्स होते हैं। वेन एवर यू डू सम लेवल ऑफ एक्सरसाइज यू फील हैप्पी। और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अजीत साहब हैं यहाँ पे, अगर इनको एक दो दिन ना करें तो डिप्रेस हो जाते हैं ये। तो इट्स अ फील गुड केमिकल, यू फील बेटर। और आप देखेंगे ब्रेन का जो फंक्शन है, योर ब्रेन बिकम्स सरीन, इट बिकम्स मोर पीसफुल। इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के, कुछ तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मूड आपका अच्छा हो सकता है। लॉन्ग टर्म में देर इज डेटा टू शो कि यू बिकम मोर फोकस्ड, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होती है, यू आर एबल टू कम्युनिकेट बेटर विद योर कॉलीग्स, आपकी जजमेंट स्किल्स बेहतर होती हैं। तो मानसिक और शारीरिक दोनों लाभ मिलते हैं। तो बेटर मोबिलिटी, बेटर ब्रेन फंक्शन, ऑफ कोर्स वेट मैनेजमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक्सरसाइज की क्षमता और एक्सरसाइज के पैरामीटर फर्क होंगे। जो एक ओवरवेट पर्सन है उसको अलग लेवल की एक्सरसाइज चाहिए, दूसरे लोगों को अलग लेवल की चाहिए, जिनको बीमारियां हैं उनको अलग लेवल की एक्सरसाइज चाहिए। एक्सरसाइज के अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अर्चना मैंने भी बताया, टू मॉडिफाई योर ईटिंग पैटर्न। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपका लेफ्ट वाला ग्राफिक आपका ईटिंग हैबिट्स है और बड़ी अच्छी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जैसे किसी ने बड़ा अच्छा कहा, यू कैन नॉट आउटरन योर डाइट। अगर आपका डाइट खराब है, यू कैन नॉट होप कि आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, यू विल बी फिट। तो आपको अनहेल्दी से हेल्दी ईटिंग हैबिट साथ साथ रखनी है, उनका एक समन्वय बनाना है, एक बैलेंस बनाना है। एंड लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंट करने के लिए या मैनेज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी एक तरफ के तराजू में है और अच्छी ईटिंग हैबिट्स दूसरे तरफ के तराजू में। देयर हैज टू बी अ क्रिटिकल बैलेंस बिटवीन द टू। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, राइट टाइप एंड राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया, अजीत साहब हैं इधर रेगुलर रनर, डॉक्टर भारती हैं इधर ही इज अ रेगुलर वॉकर, डॉक्टर भारती साहब इज अ रेगुलर रनर। सो अगेन एवरी पर्सन हैज टू टेलर द एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंडिविजुअल नीड। सबसे आसान चीज है डेली स्टेप काउंट। हम लोगों के पास यू नो देयर इज लॉट ऑफ डेटा टू शो कि एक बेंचमार्क हेल्थ गोल है 10,000 स्टेप्स, जो कि लगभग 5 से 5.5 मील चलने के बराबर है। 10,000 स्टेप्स, आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि वॉच में उन्होंने अपने सेट किया हुआ 10,000 स्टेप्स। तो दिस इज अ बेंचमार्क ऑफ हेल्थ गोल, और देर इज अ बिट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट। क्या कोई जानता है 10,000 का वैल्यू कहाँ से आया? तो इवन आई डेंट नो, 10,000 का वैल्यू आया 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे। तो जापानीज गवर्नमेंट वॉज वेरी वेरी यू नो प्रोएक्टिव, वो चाहते थे कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ओलंपिक्स की वजह से, फॉलोइंग द ओलंपिक्स दे शुड बिकम मोर हेल्थ एक्टिव। तो उन्होंने देखा वहाँ पे भी, जापान में भी 4 से 5 हज़ार स्टेप्स ही लोग रोज चलते थे। तो एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर हटानो, इन्होंने एक पीडोमीटर इन्वेंट किया। आप सब लोगों को पता है पीडोमीटर, विच मेजर द स्टेप काउंट। तो 10,000 स्टेप्स बेसिकली इन जैपनीज मीन्स मानको केई। तो दैट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट। मानको केई इज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश फ्रॉम जैपनीज मीन्स 10,000 स्टेप्स। मान इज 10,000, पो इज स्टेप्स, एंड काई इज मीटर। तो दैट इज अ पीडोमीटर विच वॉज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट, एंड दे मोटिवेटेड द जैपनीज टू स्टार्ट वॉकिंग एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स। तो दैट इज द हिस्ट्री बिहाइंड 10,000 स्टेप्स। तो लोगों ने स्टडी किया, कहा कि भाई 10,000 स्टेप्स एक मापदंड है, इतना चल लोगे तो बहुत अच्छा। तो दिस वॉज अ पीडोमीटर, सब लोगों ने देखा होगा, या घड़ियों में भी है। तो 10,000 स्टेप्स का एक मापदंड है हमारी नॉलेज में, हमारी साइंस में, और इसके अनुसार से लोगों ने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। यदि आप 5,000 से कम चल रहे हैं तो यू आर प्रॉबली लाइक दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यदि 5 से 10,000 चल रहे हैं तो यू आर एक्टिव या समवॉट एक्टिव। 10,000 से ऊपर हैं तो यू आर प्रेटी गुड। तो ये दो तीन वैल्यूज आपको भी याद रखनी चाहिए, एंड द हिस्ट्री बिहाइंड इट इट्स इंटरेस्टिंग। तो 10,000 स्टेप का एक मापदंड है। अब ये रिसेंट डेटा है 2023 का, 7.5 साल तक लोगों ने फॉलोअप किया, करीब 2.5 लाख लोग हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या निकली कि जब आप 4,000 से ऊपर 500 स्टेप चल लेते हैं, केवल 500 स्टेप इंक्रीमेंट, 7% आपकी डेथ रेट कम हो जाती है, केवल 500 स्टेप बढ़ाने। तो यदि 1,000 स्टेप बढ़ा देंगे 4,000 से ऊपर, तो 15% मोर्टैलिटी कम हो जाएगी। तो 4,000 से नीचे अच्छा नहीं है, 4,000 से जितना ऊपर आप बढ़ते जाएंगे उतना बढ़िया है, 10 से 15 हज़ार। बट दैट डजंट मीन कि 40-50 हज़ार चल रहे हैं और अगले दिन चल नहीं पाए। तो यू शुड कीप अ लिमिट, 10 से 15 हज़ार इज गुड इनफ। नाउ अगेन आपका क्वेश्चन एक इंट्यूटिव हो सकता है, फॉर वॉट एज ग्रुप्स? तो जो नॉर्मल एडल्ट हैं
मेल हो या फीमेल हो। रिकमेंडेशन हम लोगों की यही पे है, डॉक्टर रूपाली वुड ऑल्सो बी टेस्टिमनी टू इट, 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एवरी वीक, यानी कि आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, डोंट नीड टू बी एक्टिव ऑल 7 डेज अ वीक। 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, दैट इज द रिकमेंडेशन फॉर ऑल एडल्ट। विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होती है? 1 मिनट की विगरस मतलब 2 मिनट की मॉडरेट। तो जैसे 150 मिनट की मॉडरेट है तो 75 मिनट की विगरस इंटेंसिटी। विगरस इंटेंसिटी के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इट कैन बी ब्रिस्क रनिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेनिस। तो ये सारे विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी क्या है? ब्रिस्क वॉकिंग, 30 मिनट 5 दिन। बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा है बिकॉज दे आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव, 60 मिनट्स और मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ईच डे, आउटडोर एक्टिविटी स्पेशली लाइक यू नो गेम्स लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया। छोटे बच्चों के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये नहीं करना है, ये तो वैसे ही मैं कहीं से उठा के लाया। सो प्री स्कूल चिल्ड्रन दे नीड टू बी फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट द डे, जितना एक्टिव रहें उतना अच्छा। तो देर इज नो सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन, बट जितना एक्टिव रहें उतना अच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट सब ग्रुप प्रेग्नेंट फीमेल, तो एक भ्रांति है कि उनको एक्टिविटी नहीं करना है, बट अगेन टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर यू एम्बार्क ऑन अ रेजीम। वही रिकमेंडेशन है, 30 मिनट डेली 5 डेज अ वीक वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। सम फिजिकल एक्टिविटी इज बेटर देन नन, ये नहीं कि प्रेगनेंसी है तो कुछ एक्टिविटी नहीं करना है। और रिमेंबर इसका कोई इंक्रीज रिस्क नहीं होता प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से, एक्टिव रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अनदर एक्सट्रीम ग्रुप ऑफ पेशेंट्स विल बी ओल्ड पीपल, घर में पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो हदूद में आई डोंट नो हदूद का कोई है कि नहीं यहाँ पे, बट देर इज अ जेंटलमैन ओवर देयर, तो सर ही वॉक्स, आई थिंक आई मीन आई हैव सीन हिम वॉकिंग सो ब्रिस्कली दैट ही इज एन इंस्पिरेशन टू वॉच। पता नहीं किसी के पेरेंट हैं या ग्रैंड पेरेंट हैं। तो ओल्डर एडल्ट शुड ऑल्सो डू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। और जो रिकमेंडेशन है वो है करीब 3 दिन भी चलने हफ्ते में, कुछ दिन 15-20 मिनट, दैट इज गुड इनफ। तो ओल्डर को भी कन्फाइंड रूम में या बेड में नहीं रहना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल दे शुड डू सम आउटडोर एक्टिविटी। लास्ट पार्ट है आपके चलने की गति क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग चलते हैं ग्रुप्स में बात करते हुए, तो दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग, ये गति भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोगों की गति ऐसी भी होती है कि मोबाइल पे, तो ये वाली चीज बहुत अच्छी नहीं है। तो हम लोग आजकल इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है केडेंस, एंड केडेंस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप्स इन 1 मिनट। तो ये इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको याद करनी चाहिए, 10,000 स्टेप्स, 30 मिनट्स अ डे, 5 टाइम्स अ वीक, स्टेप रेट। तो अगेन रिसेंट डेटा, स्पोर्ट्स मेडिसिन का जर्नल है, हाउ फास्ट इज फास्ट इनफ, कितना तेज चलना चाहिए। कंसेंसस है कि अगर आप 1 मिनट में 100 स्टेप्स चल रहे हैं, दैट इज प्रिटी गुड, 1 मिनट में 100 स्टेप्स। ट्रांसलेट करेंगे तो 6 से 7 किलोमीटर आएगा प्रति घंटा, विच इज गुड इनफ। डॉक्टर समीर नहीं है यहाँ पे, उनको मैंने देखा, वो बताते हैं उनकी स्पीड 11 किलोमीटर है, तो हम मानते नहीं है लेकिन हो सकता हो। तो एंड द पॉइंट इज कि वेन यू आर वॉकिंग यू शुड फील स्लाइटली आउट ऑफ ब्रेथ। कॉन्वर्सेशनल टोन आप ना कर सकें, मतलब बगल में अगर यदि कोई चल रहा है तो आप उससे कॉन्वर्सेशनल टोन ना कर सकें, या यू फील स्लाइटली स्वेटी। अगर बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ऑफकोर्स यू नीड टू हैव अ डॉक्टर कंसल्ट, बट इतना स्पीड बहुत है, 100 स्टेप्स पर मिनट। तो वॉकिंग जरूरी है, ब्रिस्क वॉकिंग जरूरी है। अदर वेज टू एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं आप, सूर्य नमस्कार इज अ ग्रेट वे टू एक्सरसाइज, एंड एनी पर्सन हु कैन डू गुड सेट ऑफ सूर्य नमस्कार इज फिजिकली वेरी फिट इन माई ओपिनियन। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, सो ऑल दीज आर अदर मोड्स ऑफ एक्सरसाइज, बट जैसा मैंने कहा ब्रिस्क वॉकिंग भी कर लें, दैट इज गुड इनफ। तो लास्ट पार्ट है चेंज योर हैबिट्स। अगर हमें लाइफ स्टाइल डिजीजेस को रोकना है, प्रिवेंट करना है, यदि आपको डायबिटीज वगैरह है भी, तो यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल गेट बेटर कंट्रोल। आसपास की जगहों तक ड्राइव करने के बजाय पैदल चलें, समटाइम्स लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल, बट अगर पॉसिबल है, मेनी ऑफ पीपल हु आर आई थिंक मैडम ऑल्सो एंड मे बी डॉक्टर अमिता ऑल्सो, दे वॉक फ्रॉम दी रेजिडेंस टू दी कैंप टू दी हॉस्पिटल, सो दैट इज अ गुड वे टू बी फिजिकली एक्टिव। यूज अ साइकिल टू वर्क, सुदीप साहब हमारे हैं साइकिलिस्ट हैं,
यूज अ साइकिल टू वर्क। जब भी संभव हो सीढ़ियों का प्रयोग करें, अवॉइड लिफ्ट, बट अगेन नॉट फॉर प्रॉब्ली न्यूरोसर्जरी पीपल, 9वें फ्लोर पे है तो ना करें, प्रैक्टिकल फॉर सेकेंड थर्ड फ्लोर। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ है कि गोइंग अप द स्टेयर्स इज फिजिकली नॉट एज डिमांडिंग एज कमिंग डाउन द स्टेयर्स। सीढ़ी उतरने में नीज पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, तो 2-3 फ्लोर तक इट इज गुड इनफ, बट देर आर पीपल हु क्लाइंब अप 4-5-6 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स। तो ड्राइव करने के बजाय पैदल चलें, यूज अ साइकिल टू वर्क इफ इट्स पॉसिबल, जब भी संभव हो सीढ़ियों का प्रयोग करें। तो टू कंक्लूड, बिफोर यू अडॉप्ट अ फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल, अगर आपको कोई बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर यू एम्बार्क ऑन एन एक्सरसाइज रूटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहिए जो कि खुद से फिजिकली एक्टिव हैं या फिजिकली एक रेजीम के पार्ट हैं, सो यू विल गेट पीयर सपोर्ट। आपके रनिंग ग्रुप्स बन सकते हैं, वॉकिंग ग्रुप्स बन सकते हैं, प्लेइंग ग्रुप्स बन सकते हैं। एंड ऑन द राइट साइड इफ यू सी, टेक सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। यदि आप वॉकिंग को एक फैमिली एक्टिविटी बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी छोटे एज से ही फिजिकल एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। सो टेक द सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू विल गेट गुड सपोर्ट, आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे। रिमेंबर स्टार्ट स्लोली, ये नहीं कि पहले दिन से ही 15 किलोमीटर चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। सो इफ यू आर स्टार्टिंग, स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड अप। और वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल द एक्टिविटी इन योर कैलेंडर, आप उसको अपना एक जीवन का एक पार्ट बनाइए, जीवन शैली का एक पार्ट बनाइए। आइदर यू कैन गो टू द जिम, हमारे वी आर लकी टू हैव अ वेरी गुड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बट अगर आपके पास जिम की सुविधा नहीं भी है तो देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज, यू कैन डू इंडोर एक्सरसाइजेस, यू कैन डू इंडोर एक्सरसाइजेस। ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना ही जरूरी है। मोबाइल ऐप्स हैं, फिटबिट ऐप्स हैं, सो यू कैन ट्रैक योर स्टेप काउंट। सो देर आर वेज एंड मीन्स अवेलेबल, अगर आप चाहते हैं तो इंटेंट होना चाहिए। तो टू कंक्लूड, फिजिकल एक्टिविटी से हर किसी को फायदा हो सकता है, एनी एज, एनी जेंडर, एनी हेल्थ कंडीशन। जैसे मैंने कहा, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे एक्टिविटी, उसको मिस नहीं करना है बाय एंड लार्ज। नो, इफ यू आर मिसिंग इट मेनी टाइम्स अ वीक देन इट्स नॉट गुड। कभी कभार यू कैन हैव योर चीट डेज। अपने एक्टिविटी गोल्स अचीव करिए, सेट योर गोल्स एंड ट्राई टू अचीव देम। रिमेंबर डूइंग सम लेवल ऑफ एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे दैट इज बेटर देन डूइंग नन एट ऑल। सो दैट इज द की पॉइंट, डूइंग सम लेवल ऑफ एक्टिविटी। आजकल कई ऑफिस में दे हैव डन अवे विद द चेयर, यू नो दे आर हैविंग स्टैंडिंग ऑफिस, तो आपके जो सीट्स हैं ही नहीं वहाँ पे, सो यू नो यू नीड टू स्टैंड, बिकॉज वो कहते हैं कि यदि आप स्टैंडिंग में जितना कैलोरिक बर्न करते हैं, सिटिंग में उससे आधा ही रहता है। सो इफ यू स्टैंड यू बर्न मे बी 100% और 200% मोर देन वॉट यू सिट। सो योर हेल्थ अकाउंट इज लाइक योर बैंक अकाउंट, दे आर द सेम थिंग, जितना आप उसमें डालोगे उतना ही निकाल पाओगे। सो दैट इज द की मैसेज, बी फिजिकली एक्टिव एंड यू विल बी एबल टू प्रिवेंट एंड मैनेज मोस्ट ऑफ दी लाइफ स्टाइल डिजीज। थैंक यू।